वेलकम द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस बायोलॉजी बाय एच प्रसाद। आज का टॉपिक है हाउ मैलिग्नेंट कैंसर स्प्रेड्स और मेटास्टेटिस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। Now, if we classify cancer tumor, they are categorized into two main part. First is a benign tumor, and second is malignant tumor. Benign tumor, it is localized and malignant cancer, it is not localized. The cells of this cancer can invade other normal cells. Via blood, and this process is known as metastasis. अब देखते हैं कि जो malignant tumor है वो स्प्रेड कैसे होता है। सो ये हमारा नॉर्मल एपिथेलियल सेल ए बेसमेंट मेम्ब्रेन लेट से जो ये हमारा सेल है इसके अंदर कैंसर फॉर्म हुआ। सो अब क्या होगा देखते हैं। अभी जो कैंसर सेल है वो अपना कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज करेगा, और क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा ट्यूमर। और यहाँ पे जो ब्लड वेसल थी तो यहाँ से जो एक ट्यूमर का सेल है इट एंटर इनसाइड ब्लड वेसल। सो ये जो ट्यूमर था इसको बोलेंगे हम प्राइमरी ट्यूमर। अब ये जो प्राइमरी ट्यूमर में से क्या होगा, सेल इन्वेड करेगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर बाय ए प्रोसेस नोन एज मेटास्टेसिस, और थ्रू ब्लड स्ट्रीम एंड थ्रू ब्लड स्ट्रीम जो कैंसरस सेल है एक नॉर्मल टिश्यू के पास चला जाएगा।
अभी जो कैंसरस सेल है यहाँ से बाहर आएगा और हमारे नए जो टिश्यू है वहाँ पे वो चला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोटीन बाहर आएगा, उस प्रोटीन को बोलते हैं हम TAFS, दैट इज ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर। जो ये TAF फैक्टर था यहाँ पे वो इंड्यूस करेगा ब्लड वेसल फॉर्मेशन। एंजियोजेनेसिस मतलब क्या, ब्लड वेसल फॉर्म होना, तो यहाँ पे इसका एक अलग से ब्लड वेसल फॉर्म करेगा। अब ये जो ट्यूमर बना उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी ट्यूमर। जो भी हमारे मैलिग्नेंट सेल होते हैं, जो हमारी बॉडी में जो एंटी ट्यूमर एजेंट होते हैं, एंटी ट्यूमर एजेंट से इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक बार मैलिग्नेंट सेल बन गए हैं तो बॉडी के एंटी ट्यूमर सेल्स इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, जैसे ये ट्यूमर फॉर्म करेगा, जो ब्लड वेसल्स फॉर्म होगी उसको हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, तो उससे क्या होगा, जो सराउंडिंग में नॉर्मल सेल्स है, सराउंडिंग के जो नॉर्मल सेल्स है, दे विल स्टार्व, अल्टीमेटली दे विल डाई। अब हो सकता है कि पेन हो, अब पेन क्यों हो रहा है, जब ये टिश्यू फॉर्म हो रहा है तो उसके कारण क्या हो सकती है, जो हमारे नर्व है, जो हमारे नर्व है उसको प्रेशर क्रिएट हो सकता है, उसके ऊपर वो दब जाएगी तो प्रेशर क्रिएट होगा, तो इट मे लीड टू पेन। इसलिए कई टाइप के कैंसर में क्या होता है, पेन भी होता है। जो हमारा ट्यूमर फॉर्म हुआ क्यों फॉर्म हुआ, बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे उसको बोलेंगे हम हाइपरप्लेसिया। सो ये था हमारा क्या, हाउ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड इन अवर बॉडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें।